अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और बहुत सी बीमारियों से बचाए रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज हमने खाना बाहर से लिया था क्योंकि फ़ौत की हो गई थी, बाबा की कज़न फ़ौत हो गई थी, तो इसलिए हमने कहा कि हम खाना खा के डायरेक्ट वहीं पे चले जाएंगे अब। और अब हम खाना खा रहे हैं। वो कैंसर पेशेंट थी और उनके दो बच्चे हैं। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनको जन्नत फिरदौस के आधा मकाम में जगह अता फरमाए। और ये हमारे कल के क्लिप हैं। हमने सालन बनाया था आलू गोभी, उसके बाद हम ये दाल बॉईल कर रहे हैं रमज़ान के लिए। रमज़ान प्रिपरेशन हमने शुरू कर लिया, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अभी आज हम दाल बॉईल कर रहे हैं। दाल गोश्त बन जाता है, दाल साग बना लेते हैं, इसलिए हम इसको बॉईल करके फ्रीज़र में पैकेट में डाल के रख देंगे। आधा किलो दाल है जिसके अंदर हमने एक चम्मच नमक ऐड किया और हम बॉईल हो गई है, हमने इसे स्टेन कर लिया। हमने प्रेशर कुकर लगाया था 10 मिनट के लिए, ये देखिए हमने पैक कर लिया अब उन्हें। उसके बाद ये पापा फ्रूट ले आए थे तो मैंने इसको ट्रे में रख के रख दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि उनकी डेथ हो गई है, बहुत अच्छी थी वो। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमाए। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें, मम्मा वहाँ फौत की पे गई थी इसलिए मैंने सारी चीज़ें ट्रे में निकाल के एक साइड पे रख दी थी। जो फ्रिज में रखनी थी चीज़ें वो फ्रिज में रखी थी और जो बाहर रखनी थी वो बाहर रखी थी। शहतूत और खजूर का हमने धो लिया और कीवी भी लाए थे क्योंकि यूसरा मुझे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कीवी बहुत पसंद है, पहली बार ये मैंने सऊदी अरब में खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मम्मा यहाँ से ले आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा कि यहाँ से जब भी मिला करें तो ले आया करें। इसमें एप्पल, बनाना और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। बनाना नाबिया को बहुत पसंद है, एप्पल मुझे और यसरा को पसंद है, शहतूत अबीरा को पसंद है और ऑरेंज पापा और मम्मा खा लेते हैं। डेट्स भी मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दुआ में याद रखना मेरी फूफो लगी रिश्ते में। टेक केयर एंड बाय बाय।